तो 2-3 दिन से लगातार मैं जब भी न्यूज खोल रहा हूँ तो कोरोना से ज्यादा इस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, खान सर कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, अब इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे पास एक चांस है। चांस ये है कि अगर तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता तो मार्क माई वर्ड, तुम बहुत खुश हो अपने लाइफ में, एंड इस वीडियो को बंद कर दो और नॉर्मल अपना पढ़ाई जैसे तुम्हारा चल रहा है जाके पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये था डिस्क्लेमर। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा इनफॉर्मल सा वीडियो है और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि कौन सही है कौन गलत है या इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा इस वीडियो को बनाने का सोल पर्पस ये है कि मैं जब अपने जे डेज में था, या कोई भी बच्चा जिसने कोटा से तैयारी कर रखी है बेसिकली, उसने ऐसा कुछ फेस कर रखा है। ठीक है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस जो मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था, एंड अभी जो लोग कोटा में होंगे उनके साथ हो रहा होगा या जाने वाले हैं उनके साथ इन फ्यूचर होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले एक लाइन में सम अप कर देता हूँ कि किस बारे में बात होने वाली है। ठीक है, तो खान सर बेसिकली एक टीचर है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर चीज पे एक रिलीजियस कमेंट कर दिया था बिना किसी रिलीजन का नाम लिए हुए। ठीक है, बस इतना सा समझ लो। अब चलते हैं कुछ साल पहले कोटा। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा पर्पस क्या होता है कि वो सब्जेक्ट हमें समझ में आ जाए। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग डिमांड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर मैथ पढ़ रहा है तो मैथ पढ़ते समय एक टीचर का प्रॉपर काम क्या होता है। ठीक है, मैथ पढ़ाते समय उस टीचर का काम ये होता है कि वो हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक स्टूडेंट को एक थिंकिंग अप्रोच सिखा दे। ठीक है, अब वो थिंकिंग अप्रोच उसे कैसे सिखाएगा, तो उसके सिखाने का एक सिंपल सा तरीका है कि वो उस चैप्टर के फॉर्मूलों को उसे वहां पे इनलिस्ट कर दे। इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेश्चन जो हमारे मॉड्यूल में गिवन होते हैं, ठीक है, उन्हें ले एंड उसे कैसे सॉल्व करना है या उसका थिंकिंग अप्रोच स्टूडेंट को समझा दे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें इस सब्जेक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का डिमांड क्या है, तो इस सब्जेक्ट का डिमांड ये है कि जो टीचर है वो क्लास में आते ही जो चैप्टर पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड जो न्यूमोनिक्स है उस स्टूडेंट को याद करा दे, मतलब उस पूरे पूरे क्लास को याद करा दे। ठीक है, एक और छोटा सा चीज, अगर इस वीडियो को तुम लोग 1.5x स्पीड पे नहीं देख रहे तो 1.5x कर दो। ठीक है, क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो वो तुरंत उस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे निमोनिक्स अपने पूरे के पूरे बैच को बता दे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय हर कोई एक पर्टिकुलर चीज सुनता है, वो ये सुनता है कि पहले चैप्टर को समझ लेते हैं फिर उसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो बाद में जो काम करना है उसे आसान बना के पहले वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि बाकी लोग जहाँ पे एंड करते हैं अपना प्रिपरेशन, हम वहां से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एक अच्छे टीचर का काम यही होता है। ठीक है, तो जब मैं कोटा में प्रिपेयर कर रहा था तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पर्टिकुलरली मैं बात करना चाह रहा हूं, इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं उसमें हर एक चीज को याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एंड ये चीज जो वहां के टीचर्स थे उन्होंने ओवर द ईयर देखा समझा और इससे रिलेटेड न्यूमोनिक्स बना लिए। ठीक है, अब इन न्यूमोनिक्स का उन्होंने क्या किया कि वो हमें बता देते थे। ठीक है, अब ये जो बेसिकली न्यूमोनिक्स होते थे ये बहुत ज्यादा थोड़े से वल्गर साउंड कर सकते हैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स सुनते उसको तो। ठीक है, हर न्यूमोनिक में मैक्सिमम केसेस में एक लड़की का नाम आता था। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा
उस समय के लिए तो हमारे लिए कॉमन हो गया था, ठीक है। एंड अगर तुम लोग एक पॉइंट से सोचो तो किसी के भावनाओं को ये ठेस पहुंचा सकता था, ठीक है। एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे टीचर कोई बहुत स्पेशल टीचर थे जो ऐसा कुछ कर रहे थे, पूरे कोटा में केमिस्ट्री का तो हर एक टीचर इस चीज को फॉलो कर ही लेता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का होगा तो कर ही रहा होगा, ठीक है, एंड कर रहा है तो ही उसे लोग अच्छा टीचर कह रहे हैं, ठीक है। क्यों अच्छा टीचर कह रहे हैं तो मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एंड हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि उस निमोनिक में कोई गाली गलौज वाली बात है, ठीक है, बट थोड़ा सा अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो तुम लोग को समझ में आ रहा है बेसिकली मैं किस चीज के क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये टीचर्स ऐसा करते क्यों, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन ये है इसका कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली बहुत बड़ा कंटेंट है और उस कंटेंट में हर चीज को याद रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी चीज का ऑर्डर कहीं से भी उठा के पूछ सकता है और तुम किसी भी कंपाउंड को कैसे याद रखोगे, ठीक है, और अगर किसी चीज का सीक्वेंस है तो उसे कैसे याद करोगे, अगर किसी कंपाउंड का या एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का अकरेंस का अबंडेंस का सीक्वेंस, ठीक है। तो ये एक टीचर का काम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो स्टूडेंट को उसे आसानी से याद करवा दे, ठीक है। एंड क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग 17-18 साल के हैं, ठीक है, एंड ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इंट्रीग करती है, ठीक है। एंड जब भी कोई टीचर इतना फनी चीज क्लास में हमारे सामने बोलता है तो हमें बहुत हंसी आता है, हम बहुत हंसते हैं, इसे दिन भर 10 बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, 10 बार रिपीट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें वो निमोनिक याद हो जाता है और इनडायरेक्टली हमने एक लिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड याद कर लिए एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। एंड दिस वॉज द पर्पज ऑफ दिस टीचर कि वो बहुत आसानी से तुम्हें सारा का सारा कंटेंट फ्लो दे दे, ठीक है, एंड तुम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ या अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओ और अपने लाइफ में एक्सेल कर पाओ, ठीक है, जो इस टीचर का पर्पस था, इसीलिए इस टीचर को अच्छा कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि क्लास में लड़कियां भी होती है तो उन्हें बुरा लगता है कि नहीं लगता है, तो हाँ, इस बात से भी हमारे सर ने हमें बता दिया था स्टार्टिंग में कि अगर किसी को किसी भी चीज से ठेस पहुंचे जो वो कह रहे हैं तो वो उन्हें आके साफ साफ बता सकता है, ठीक है, तो वो इन चीजों को क्लास में नहीं शेयर करेंगे, ठीक है, ये साफ साफ उन्होंने कह दिया था, ठीक है, क्योंकि लॉजिक रीजन हर सीक्वेंस के पीछे तो उन्हें भी पता था, वो हमें भी बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा था अगर इससे किसी भी इंसान को ठेस पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो बता सकते हैं उन्हें, तो वो रीजन के माध्यम से किसी और तरीके से याद कराना प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां का माहौल जो है बेसिकली कोटा काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो लड़कियां काफी ज्यादा इस चीज को खुद इनकरेज करती है कि वो निमोनिक्स के माध्यम से लोगों को समझाएं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट रोल एक ही है कि हमारा जो मार्क्स है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए, उसके आगे उसके पीछे कुछ नहीं। एंड अगर ये सब चीज ऑनलाइन यूट्यूब पे तुमको मिलने लगा तो पता चलेगा कि हर एक टीचर के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुका है, ठीक है, और उन्हें परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक एडुकेटेड इंसान जो पढ़ा रहा है, एक एडुकेटेड जनता जो पढ़ने आई है, उन दोनों के बीच का एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो फुलफिल हो रहा है एंड उनका जीवन अच्छे से कट रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब जो खान सर का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो खान सर से मैंने भी नहीं पढ़ा, तुमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है, बस हमने भी उन्हें मीम्स के थ्रू ही देखा है, जाना है, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो उस वीडियो में कह रहे हैं उस पे कमेंट करना मेरे स्कोप के तो बाहर है, ठीक है, क्योंकि ना ही मैं वहां पे था और मैंने ना ही कुछ चीज को सुना है, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ चीज को याद करवा रहे हो जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसमें से बस एक छोटा सा क्लिप उठा के सर्कुलेट कर दिया गया, ठीक है। एंड यूपीएससी क्योंकि बहुत
न्यूज व्यूज में आते रहता है और उनका न्यूज बनते रहता है, तो एक छोटा सा क्लिप वायरल हो गया जिसकी वजह से उनको अब थोड़ा सा परेशानी फेस करना पड़ रहा है। बट उनके जो स्टूडेंट है वो जानते हैं कि खान सर कैसा पढ़ाते हैं और खान सर को पता है कि उनके स्टूडेंट बेसिकली कौन है, बेसिकली उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। तो इन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ढंग से बना हुआ है तो उनका काम चलते रहेगा, ठीक है। एंड जो अनएडुकेटेड लोग हैं वो बेसिकली इसके बारे में डिबेट वगैरह करते रहेंगे। एंड अनएडुकेटेड से मेरा यहाँ पे मतलब अनपढ़ नहीं है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अनएडुकेटेड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था वीडियो, लेकिन फिर से द एमबीए गेम कि व्हाट यू हैव लर्न्ड, व्हाट यू हैव सिंथेसाइज, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। तो अगर तुम मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली एमबीए में हमेशा हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, या फिर कुछ चीज हमने सीखा तो उसमें से हमने क्या सीखा और क्या हमने उससे सिंथेसाइज किया, ठीक है। कोई भी इंसान जो एमबीए कर रहा है वो हमेशा ये चीज पूछेगा ही पूछेगा, व्हाट आई हैव लर्न्ड, व्हाट आई हैव सिंथेसाइज, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अच्छी आदत भी है, ठीक है। एंड अगर तुम लोग किसी भी चीज पे अपना टाइम दे रहे हो तो बेसिकली ये वीडियो है इससे तुमने टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो इससे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने निकाला क्या, ठीक है। तो अब चलो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड ऑल्सो कि अगर तुम इन फ्यूचर भी कोई भी वीडियो देखते हो तो एक बार सोचो कि इससे एक चीज तुमने क्या सिंथेसाइज किया, ठीक है, या फिर इसमें जो तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न क्या है, ठीक है। एंड ये रिटर्न जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी रिटर्न हो, जस्ट अ रिटर्न। तुम्हें हो सकता है उस वीडियो में थोड़ा हैप्पीनेस प्रोवाइड किया, मोटिवेशन प्रोवाइड किया, बट तुम्हें उस इमोशन के बारे में पर्सनल पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ नाइस थिंग, खैर हमने इस वीडियो से क्या सिंथेसाइज किया इज दैट कि अगर तुम कोटा में हो या कोटा जाने वाले हो, ठीक है, और तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में घटित हो तो उससे ज्यादा चिंतित ना हो, ठीक है। जो तुम जो पढ़ा रहे तुम्हें दे आर एक्सपीरियंस गाइज एंड वो अपना काम जानते हैं, ठीक है। एंड ये था बहुत डायरेक्ट सिंथेसिस। एंड अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें तो अगर तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो एंड अगर वो कुछ इस टाइप के मेथोडोलॉजीज को यूज कर रहा है तुम्हें याद कराने के लिए ताकि तुम्हारा भला हो जाए, देन दैट पर्सन इज डूइंग हिज जॉब वेरी नाइस। ये था इससे सिंथेसिस। अब एक टेक अवे, ठीक है, टेक अवे क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है, एंड दैट लिंक इज अ लिंक टू अ ब्लॉग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अभी बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है कि बेसिकली जेई के बाद क्या होता है, ठीक है, तुम्हारा आईआईटी हो गया तब क्या होगा, ठीक है, इस चीज से बहुत लोग को कुछ पता ही नहीं होता। एंड कुछ जो कॉलेज स्टूडेंट ये वीडियो देखते हैं मेरा उनके लिए भी ये एक मैं एक लिंक डाल दूंगा, दैट ब्लॉग इज रिटन बाय अ कॉलेज सीनियर ऑफ माइन, जो कि मतलब ये जेई से रिलेटेड नहीं है, दैट इज जस्ट अ ब्लॉग कि उनके लाइफ में क्या हुआ इन द नेक्स्ट फोर ईयर थ्रू फोर शॉर्ट ब्लॉग्स, ठीक है, एंड बेसिकली कॉलेज लाइफ। हो सकता है तुम बहुत अधिक से रिलेट ना कर पाओ क्योंकि तुम एज अ स्टूडेंट हो, मतलब जेई का तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो कॉलेज में है वो रिलेट कर पाएंगे, तो वो लोग उसे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये ब्लॉग का जो पूरा साइट है मुझे कैसे मिला, तो लाइक आई स्पेंड थोड़ा सा टाइम ऑफ माई डे ऑन लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन पे मैं ऐसे ही प्रोफाइल एक दो लोगों की देख रहा था, एंड उसके नीचे मुझे ये ब्लॉग का आर्टिकल का लिंक का पोस्ट मिल गया, ठीक है, एंड आई रेड इट एंड इट वॉज लाइक वेरी नाइस, ठीक है। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म करते चले गए वहां पे चारों ब्लॉग एक साथ लाइन से पढ़ने लगे, ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारा जिस दिन टेस्ट होगा, किसी दिन 3 घंटे 6 घंटे का टेस्ट है, तो उस टेस्ट के बाद अपना पेपर को एनालाइज कर लेना, एनालिसिस करने के बाद तुम्हारे पास जो दिन का खाली समय बचेगा उसमें इसे पढ़ लेना, ठीक है, अगर मन करे तो, ठीक है, हालांकि तुम उससे बहुत ज्यादा कुछ रिलेट नहीं कर पाओगे, तुम कॉलेज में वही कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे एंड
नाउ द सेम थिंग कि अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कमेंट करना। तो कमेंट करने का एक रूल है, रूल सबको पता है कि पहले जो भी मैं दिमाग में आ रहा है उसको प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना, प्रॉपर शब्दों का चयन करना, इंग्लिश या हिंदी भाषा का चयन करना और उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल बी मोस्टली या मोस्ट प्रोबेबली ऑन कोविड सिचुएशन, ठीक है, एंड हाउ टू कोप अप इन दोस सिचुएशन, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।